चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हमें करना है कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए सर, एक बार पुराने दो मेथड्स का ही ब्रीफ दे दो। ठीक है, पुराने मेथड्स का एक बार ब्रीफ दे देते हैं आपको, क्या क्या कराया था हमने। चलिए मैं लिख ही देता हूँ आपके सामने फटाफट से क्या क्या हमने किया था, एक बार रिवीजन ले लेते हैं। 21 अप्रैल है आज। चलिए तो आपने क्वेश्चंस किए अमन, नहीं किए प्रैक्टिस? सर कर रहे हैं लेकिन ढंग से समझ नहीं आया। चलिए ठीक है, अभी आज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा, ठीक है? चलिए, ठीक है सर। हमने मेथड्स कर रहे थे, मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, ठीक है? मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चलूंगा जो हमने कर चुके हैं इसमें। बेटा हमने मेथड्स करे थे कि तीन मेथड्स हैं गुडविल को फाइंड आउट करने के, है ना? कौन कौन से मेथड्स हैं फाइंड आउट करने के गुडविल को? सबसे पहले आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड, जो कि आज हम करेंगे। उसके बाद इसमें मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम दो तरीके करेंगे। एक आपका आएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वन इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड सुपर प्रॉफिट मेथड हैज नो मेथड, नो क्लासिफिकेशन, एंड इन कैपिटलाइजेशन मेथड वी हैव टू कैपिटलाइज, दैट मीन्स कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो दिस वर द मेथड्स। मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ इसके फॉर्मूले जो हमने किए थे। इसमें जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है? इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल निकालने का फॉर्मूला था वो था सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक? वेयर हम बात कर लेते हैं, जहां पर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स गिवन, और यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या किया था हमने, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन में सम ऑफ वेट्स। क्लियर है इतना? उसके बाद हमने सुपर प्रॉफिट में हमने किया था, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वेयर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड वेयर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तो यहीं से ले लेंगे हम, वेयर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन में 100, ठीक है? फिर एक हमने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज जो सीखी थी वो क्या सीखी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। इतना क्लियर है सबको? आप या तो मुझे यहाँ पर नीचे ना आपके पे रिएक्शंस होते, रिएक्शन से आप ऐसे इसका साइन दे सकते हैं थम्स अप का कि आपको क्लियर है। हाँ जी सर, क्लियर। यस सर, ठीक है ना? चलिए फिर मैंने आपको जो फॉर्मूले याद करने का तरीका बताया था वो ये बताया था कि बेटा हमें जो नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है
वो हमारे जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है उसके वजह से मिलता है। तो हम अगर नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दें, डेट इज 100 अपॉन में एनआर कर देंगे, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है कि जितना पैसा हमने लगाया है। और जो हम सुपर यानी एडिशनल प्रॉफिट कमाते हैं वो हम अपनी गुडविल के वजह से कमाते हैं। तो अगर मैं सुपर गुडविल को कैपिटलाइज कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगी सीधा मेरी गुडविल, ये मैंने आपको बताया था। और हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट होता है, और अगर मैं एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दूंगा, डेट इज 100 अपॉन में एनआर कर दूंगा, तो मेरे को निकलेगी वैल्यू ऑफ फर्म कि जितना मुझे वैल्यू फर्म को बेचना चाहिए। एक तो मैं वैल्यू फर्म कैसे निकाली, मैंने एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड जितना पैसा लगाया वो पैसा लूंगा, प्लस जो मेरी गुडविल का पैसा है वो लूंगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा अपना कैपिटलाइजेशन मेथड, जहां पर ये फॉर्मुलेस काम आएंगे हमारे। ठीक है, चलिए कैपिटलाइजेशन मेथड। इन कैपिटलाइजेशन मेथड वी हैव टू मेथड्स, वी हैव क्लासिफाइड इनटू टू मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बेटा, एंड सेकेंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब इसमें ध्यान से रखना, यहां पर बोल रहा है कैपिटलाइजेशन करना है एवरेज प्रॉफिट को। सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहा है, कैपिटलाइज कर दो एवरेज प्रॉफिट को। और मैंने कैपिटलाइजेशन का मतलब बताया था कि हमें क्या करना होता है, 100 अपॉन में एनआरआर करना होता है कैपिटलाइजेशन करने के लिए। तो मुझे बताइए अगर मैं एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ये बोला मैंने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे 100 अपॉन में एनआरआर करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ फर्म मिलेगा। ऐसी अगर मैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दूंगा तो मुझे गुडविल मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये फॉर्मूला तो बड़ा इजी हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाला मेथड। ठीक है, तो यानी मुझे अगर इसमें गुडविल निकालनी है तो इसमें है क्या, बड़ा इजी है। स्टेप वन, आपको कैलकुलेट क्या करना है, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का हम सभी को फॉर्मूला पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। और स्टेप टू क्या होगा, मैं इसमें निकाल दूंगा बेटा गुडविल। और गुडविल कैसी निकलेगी आप बता दो, यहां पर लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट को अगर मैं कैपिटलाइज कर देता हूं तो मुझे गुडविल मिल जाएगी, इजी है। तो मैं यहां पर यही करूंगा कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दूंगा। सुपर प्रॉफिट है मैंने निकाल रखा है, तो सुपर प्रॉफिट को सिर्फ क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। और कैपिटलाइजेशन करने के लिए मुझे क्या यूज करना है, 100 अपॉन में एनआरआर। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा खत्म हो गया। इजी था बेटा ये फॉर्मूला, यस सर। ठीक है सर, सुपर प्रॉफिट निकालो। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते थे, सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें गुडविल मिल जाती थी सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। अब अगर हमने सुपर प्रॉफिट निकाल के उसको कैपिटलाइज कर देंगे तो हमें डायरेक्ट गुडविल मिल जाएगी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसके लिए अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज करना है तो उसके लिए मुझे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो सिंपल है मेरा, इसमें स्टेप वन क्या रहेगा, मैं कैलकुलेट करूंगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ये ज्यादातर मुझे क्या दे रखा होगा बेटा, गिवन रहेगा। ठीक है, ये मुझे ज्यादातर गिवन रहेगा, नहीं तो आपको फाइंड आउट करना आता है। स्टेप सेकंड क्या रहेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ फर्म, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म। और वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना आपको आ गया, आपको फॉर्मूला पता है वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करने का, कैसे, क्योंकि अभी हमने यहां देखा कि एवरेज प्रॉफिट को अगर हम कैपिटलाइज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म।
यानी मैं एवरेज प्रॉफिट को 100 अपॉन में एनआर कर दूं तो मुझे वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगी। चलिए वही चीज मैं यहां कर दूंगा, यानी एवरेज प्रॉफिट को मेरे को करना क्या है, 100 अपॉन में एनआरआर कर देना है, तो मेरे को मिल जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ फर्म। उसके बाद देखिए, उसके बाद मुझे बताओ, अगर मुझे वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाए, वैल्यू ऑफ फर्म मिल गई मेरे को निकालनी क्या है, गुडविल। तो मेरे को और क्या चीज चाहिए होगी गुडविल निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं चाहिए? यस सर, क्योंकि अगर मैं वैल्यू ऑफ फर्म में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दूंगा तो मेरे को गुडविल मिल जाएगी, है ना? तो मुझे अब क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो मेरा स्टेप थर्ड रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। स्टेप थ्री, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। और जैसे भी मैंने फॉर्मूला क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त करवाया था, तो फॉर्मूला इसका क्या होगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, फॉर्मूला होगा बेटा टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइड लाइबिलिटीज, दैट मीन्स एक तरह से आप करंट लाइबिलिटीज बोल सकते हो, आउटसाइड लाइबिलिटीज, और दूसरा फॉर्मूला होगा कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, दिस वुड बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड। देन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई, तो लास्ट स्टेप फोर आपका क्या रहेगा, कैलकुलेट गुडविल। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला हमने ऊपर सीख लिया, क्या सीखा, वैल्यू ऑफ फर्म में से क्या माइनस कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो, तो हमें मिल जाएगी गुडविल। तो आप यहां पर क्या करो, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके, यहां पर ये वाला फॉर्मूला भी खत्म हो गया। आप इन स्टेप्स को लिख लीजिए और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। सर स्टेप थ्री में आपने लिखा है कैपिटल प्लस आर एंड एस प्लस एलटीएल, हाँ बेटा, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, करो उसको, नोट डाउन हो गया बेटा आप लोगों का? यस सर। आगे चलूं मैं? यस सर, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है, मुझे सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करवाने हैं आपको, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको बैठ करके, ठीक है, मजा आएगा। चलिए फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर, बस बेटा इसमें एडजस्टमेंट्स रह जाएंगी, ओके सर, ठीक है, एडजस्टमेंट्स नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तो चैप्टर खत्म, ठीक है, एक एडजस्टमेंट्स रह जाएंगी, बाकी तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको दे रहा हूं बेटा एवरेज, देखते सबसे पहले कौन निकाल के मुझे आंसर देता है। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है रुपीज 60,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट भी, चलो मैं आपको दे देता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट आपको दे रखा है 20,000 एंड आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% पर एनम एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड इज यू हैव टू फाइंड गुडविल फ्रॉम टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो मैं भी कर रहा हूं क्वेश्चन और मैं भी देखता हूं आप में से कौन मुझे फटाफट निकाल करके इसका आंसर देगा। चलिए आई एम वेटिंग एंड I will start correctly after 1 minute. Let's see who answers first.
आई होप सभी कोशिश कर रहे होंगे बेटा सॉल्व करने की. सर गुडविल कितनी है बेटा गुडविल आप यही तो आपको फाइंड आउट करना है. मेरा तो 5,80,000 आ रहा है. ओके आपका 5,80,000 आ गया. चलिए देखते हैं हम निकालेंगे अभी. चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ. 1 मिनट से ऊपर हो गया है अभी तक और किसी के आंसर्स नहीं आए हैं. सिर्फ एक वीरू का आंसर आया है. लेट्स सी और किस किस के आंसर आते हैं मेरे करने से पहले पहले. ओके अदिति को कुछ पूछना है. अदिति ने हैंड रेस किया है. अदिति बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप. चलिए सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड से करने के लिए मेरा स्टेप वन होगा आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले सुपर प्रॉफिट. ठीक है और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एंड एवरेज प्रॉफिट इज गिवन टू अस इज ₹60,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन टू अस डेट इज 20,000. सो वी गेट अ नेट सुपर प्रॉफिट ऑफ ₹40,000. ओके देन इन स्टेप टू व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल. सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज. सो सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया वो आया हमारा 40,000 एंड नंबर ऑफ इयर्स परचेज. ओके नंबर ऑफ इयर्स परचेज तो आपको दिया ही नहीं आपने कैसे निकाल लिया. आपने किसने बताया भी नहीं कि सर आपने नंबर ऑफ इयर्स परचेज तो दिया ही नहीं. तो आप नंबर ऑफ इयर्स परचेज लिख लीजिए 2 years. अगर नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 years है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 80,000. ठीक. और अगर हम बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में तो इसमें मेरा स्टेप वन रहता है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट और वो कैसे आएगा वही एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सर नोटबुक थोड़ी ऊपर कर लो एक मिनट. अब ठीक है 60,000 एवरेज प्रॉफिट गिवन है 20,000 भी मेरे को गिवन है सो इट कम्स 40,000. उसके बाद 40,000 निकालने के बाद मुझे कैपिटलाइज करना है बस. ठीक है तो कैपिटलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम स्टेप सेकेंड कैलकुलेट गुडविल. अब वो क्या होगी सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में एनआरआर एंड सुपर प्रॉफिट हमने निकाला 40,000. 100 और एनआरआर मेरे को कितना दे रखा है 10%. तो कितना आ गया ये आ गया 4 lakhs. वीरेंद्र समझ में आया. यस सर. सर ये ऐसे करना पड़ता है मतलब स्टेप की तरह. हाँ बेटा स्टेप की तरह करोगे तो क्या देखो प्रेजेंटेशन की प्रेजेंटेशन होती है सारी. यस सर. ठीक है ना अब क्या होता है वहां जो पेपर चेक करने बैठा है वो आपका आंसर ढूंढने पे मेहनत नहीं करेगा. ठीक है ना अगर आपका उसको आंसर नहीं मिलेगा तो वो आपके नंबर काट लेगा. उसको लगेगा कि आपको आता ही नहीं है. तो आपको ये समझना है कि उसको कुछ नहीं आता जो चेक कर रहा है. वो जस्ट आपका कॉन्सेप्ट चेक नहीं करता. वो ये नहीं देखता वो कितना आता है कितना नहीं सीधा आंसर फाइंड आउट करता है. और अगर उसको आंसर फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है तो वो आपके मार्क्स काट लेता है. ठीक है yes, हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको अच्छे से समझाएं कि हमने कैसे किया भाई क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है यस सर. चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं करके दिखाएंगे. यस सर. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा बेटा ये क्वेश्चन. चलिए
आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको दे देता हूं एवरेज प्रॉफिट, आपको 1,20,000। उसके बाद मैं आपको दे रहा हूं इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, सर दोनों मेथड में, क्या बेटा? सर दोनों मेथड में अलग अलग गुडविल आएगी? हाँ बेटा, दोनों मेथड में अलग अलग गुडविल आती है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 7 लैक्स एंड हेयर नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज 2 इयर्स, एनआरआर इज 10%, ओके, and you, what you have to do is you have to find goodwill, find goodwill। अब ये कौन से मेथड से करनी है ये मैं आपको बता देता हूं और आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ये आपको करनी है पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और सेकंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। चलिए अब देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वीरेंद्र का सबसे पहले आया था, फिर अदिति का आया था, यानी इनकी स्पीड सबसे अच्छी है अब तक। बाकी मैं दूसरे जनों से भी चाहूंगा, जो बाकी और जिन्हें पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे अमन है बहुत अच्छा करता है, सलोनी है, मयंक है, दिव्यांश है, अरुण है, बेटा आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, अमरिंदर भी है यहाँ पर, अदिति ने तो कर दिया। बेटा इस बार मैं चाहूंगा आप लोग भी फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर दीजिए, है ना। चलिए in next class we will complete this chapter by completing the remaining part, that is adjustments, and in the upcoming class, means last class of this week, we will have a doubt session, doubts related to chapter number 1 and chapter number 2 both of partnership. भैया नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ है? बेटा नॉर्मल प्रॉफिट यू हैव टू फाइंड आउट, नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन में 100 फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। Okay, so I got the answer from Arun Antal, 5 lakh. So Arun, आप मुझे बताइए आपने बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड का दिया है कैपिटलाइजेशन या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाल के दिया है आंसर? So is that Arun average profit? Okay, average profit. ठीक है, तो अरुण इस रेस में आगे निकल चुका है, और देखते हैं अरुण फटाफट सुपर प्रॉफिट मेथड्स को भी सॉल्व कीजिए। सर 5 लाख गुडविल आ रही है मेरी एवरेज प्रॉफिट मेथड से। वेरी गुड, वीरेंद्र का भी आंसर आ गया।
सलोनी का आंसर आ गया 5 लाख. कौन सा सेकंड वाले का बोला सलोनी आपने? अमन क्या बात है, आप तो बहुत पीछे चल रहे हो, परफॉर्मेंस को क्या हो गया आपकी? हाँ ओके, दिव्यांश का 5 लाख आ गया एवरेज प्रॉफिट मेथड. वेरी गुड दिव्यांश. भैया एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से 5 लाख आ रहा है आंसर. ओके सुपर प्रॉफिट मेथड से भी 5 लाख आ रहा है, वेरी गुड. चलिए अदिति का आंसर आ गया. हाँ सर दोनों से सेम आ रहा है. दोनों से सेम आ रहा है, वेरी गुड. चलिए फटाफट सॉल्व करके देख लेते हैं अब हम भी. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? हमें निकालना होता है वैल्यू ऑफ फर्म, एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट मुझे दे रखा है तो मुझे निकालना है क्या? वैल्यू ऑफ फर्म. सो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआरआर. तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है मेरे को 1,20,000 इनटू 100 अपॉन में 10, तो इससे आपका आ जाएगा 12 लाख. एंड कैपिटल एम्प्लॉयड तुमने डायरेक्ट दे दी, वाह 7 लाख. तो मुझे तो टेंशन ही नहीं है, सीधा मेरी गुडविल आ जाएगी. गुडविल का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ फर्म माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड वैल्यू ऑफ फर्म इज गिवन 12 लाख माइनस 7 लाख एंड इट बिकम्स 5 लाख. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस. जिस जिसने भी इसका मैथ आंसर 5 लाख दिया था, 5 लाख ही आ रहा है, वेरी गुड. चलिए सुपर प्रॉफिट का देखते हैं. तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट, एंड सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट. यस सर. एवरेज प्रॉफिट मेरे को दे रखा है 1,20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट मेरे को नहीं दे रखा, तो मैं निकाल लेते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन इनटू एनआरआर अपॉन में 100. कैपिटल एम्प्लॉयड इज 7 लाख एंड एनआरआर इज 10%, दैट मींस 70,000. तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 70,000, तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000. और मुझे निकालनी है गुडविल, तो सुपर प्रॉफिट को मैं क्या कर दूंगा? कैपिटलाइज कर दूंगा, दैट इज 100 अपॉन में एनआरआर. सुपर प्रॉफिट आया 50,000 इनटू 10 अपॉन में, सॉरी 100 अपॉन में 10, दैट इज 5 लाख. वेरी गुड, दोनों से 5 लाख आंसर आ रहा है, गुड. चलिए अब एक और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन निकाल के देगा. अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसमें चारों मेथड से आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है? चलिए एक और चैलेंज. आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 2015 टू 16, 16 टू 17, 17 टू 18 एंड 2018 टू 19. रिस्पेक्टिव आर द प्रॉफिट्स 50,000, 60,000, 70,000, 20,000. These are the profits and these are the weights. 1, 2, 3, 4. Okay. And आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा इससे. अब आपको दे रखा है इसमें बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, ₹5 lakhs, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 10%, नंबर ऑफ इयर्स परचेज दे रखे हैं आपको 2 इयर्स, ठीक है? और आपको जो निकालना है वो निकालना है गुडविल. फाइंड गुडविल फ्रॉम फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सेकेंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से,
थर्ड सुपर प्रॉफिट मेथड से, फोर्थ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से. आप स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना, देखते कौन आंसर देता है किसका फर्स्ट. फर्स्ट का आंसर दीजिए फटाफट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से एंड लास्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से. चलिए इन पांचों का आपको मुझे फटाफट आंसर्स बताने हैं. बहुत ही प्यारा सुशील सा क्वेश्चन है आप लोगों के आगे. मेरा पहले का आंसर 1,00,000 है. ओ, मेरे को नहीं पता, आपने जल्दी सॉल्व कर लिया, वेरी गुड. चलिए मैं लिख लेता हूँ, 1,00,000 आपने मुझे बताया है अदिति ने. चलिए अदिति के आंसर्स में अदिति ने फर्स्ट सॉल्व करके भी दे दिया, वेरी गुड अदिति. आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करूंगा, देखते हैं किस कौन आंसर देता है सबसे पहले. आई होप आप लोगों में से कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, बिकॉज आपको पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है. ओके भैया कोई बात नहीं, हम कर रहे नहीं कर रहे आपको क्या पता चलेगा. ठीक है, दिव्यांश का आंसर भी 1,00,000 आया है फर्स्ट का, वेरी गुड दिव्यांश. कहते भैया आप तो हम लाइव क्लास ले रहे हैं, ना आप हमें डांट सकते ना कुछ कर सकते, कैसे देखोगे आप हमें हम क्या कर रहे हैं. आजकल बड़ी 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 अच्छी अच्छी डिशेस बना रहे हैं लोग घर पे खाली बैठ करके. यहाँ पर बनती नहीं डिशेस, सिर्फ मुंह में पानी आता है आप लोगों को देख करके. अच्छी अच्छी डिशेस बना के डालते रहते हो, कभी पूछ भी लिया करो भैया आपको खाना है. चलिए अमन ने आंसर दिया 5,00,000 and 1,00,000. अमन बेटा ये किसका आंसर है 5,00,000 and 1,00,000? साथ में लिख दीजिए 1 का आंसर 2 का आंसर 3 का आंसर इस तरीके से, ये तो मुझे पता नहीं चलेगा ना. ओके सर 1,00,000 है आंसर. ओके 1,00,000 आंसर है, गलती से 5 है. ओके ओके ठीक है, फर्स्ट आंसर आपने 1,00,000 दिया. ओके चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, इतने में आज आप लोगों की अटेंडेंस लगा देता हूँ. सबको पता है अटेंडेंस लगाने का हमारा, हम वेब से लगाते हैं app.gleamingdoodles.in. सर मेरा तो 50,000 आ रहा है. 50 फर्स्ट का? यस सर. कोई नहीं अभी चेक कर लेंगे हम. अब हमने आपके 9th और 10th के बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं और वो हमारी ग्लीमिंग डूडल्स की ऐप से ही लाइव क्लासेस ली जा रही है. मतलब उसके लिए हम 9th-10th के क्लासेस के लिए जूम ऐप का यूज नहीं कर रहे, ग्लीमिंग रूट्स का ऐप ही यूज कर रहे हैं. उसमें ऑप्शन आ गया है, आपने देखा होगा, आपको भी दिख गया होगा लाइव क्लासेस का हमारे इस पे ऐप पे. ओके अदिति इज प्रेजेंट, अमन इज प्रेजेंट, अमरिंदर इज प्रेजेंट, अंशुमन
is present. Anurag is there. Okay, today Anurag is not there. Anurantal is there, Diksha is not there, Divansh is there, Kushi is not there, Kunal is not there, Mayank is there, Neha is not there, Sachin is not there, Saloni is there, Shumasit, Tanu is not there, and Vendra is there. Okay. So I mark the attendance. अच्छा आप देखिए यहाँ पर ना एक टॉपिक का ऑप्शन भी होता है, तो अब से मैं हर क्लास का ना टॉपिक यहाँ पर डाल दिया करूंगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप फीडबैक भी दे सकते हैं हर क्लास का। आप अपने ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको टॉपिक दिख जाएगा अटेंडेंस वाली जगह पे, तो वहाँ पर फीडबैक दे सकते हैं कि आज की क्लास आपको कितनी समझ में आई, कितनी नहीं समझ में आई, कहाँ कहाँ डाउट्स रहे आपको, तो क्या उससे मुझे एनालिसिस मिलेगा, फिर मैं उसमें कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में उसको ठीक करने की। तो वहां पर आप फीडबैक दे सकते हैं आज की क्लास का, हर क्लास का। कुछ भी हमने किया कैपिटलाइजेशन मेथड। आई होप आंसर सब आप सबके सॉल्व हो चुके होंगे, दो या तीन के तो हो गए होंगे। सर 1 लाख ही आ रहा है इसका मेरा। 1 लाख ही आ रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ, टाइम हो गया है। अमरिंदर ने मैसेज किया है मेरे को, वो मैं वैसे देख रहा था भैया, वैसे देख रहा था। अच्छा, ओके, बिकॉज जो भी आप एक्टिविटी करते हैं मेरे को हर एक चीज का नोटिफिकेशन एंड मैसेज आ जाता है, चाहे वो आप ऐप पे कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो। ठीक है, तो अमरिंदर आपने देखा वहां पर फीडबैक का ऑप्शन है ना, तो आप वहां से फीडबैक दे सकते हैं हर एक क्लास का। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल रहा हूँ। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड, बेटा आप लोगों के असाइनमेंट्स मेरे पास सबमिट नहीं हुए हैं, एक दो जनों ही किए हैं, बाकी कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आप असाइनमेंट सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। मैं आपको एक स्टूडेंट का नाम बताऊंगा नहीं यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो जिसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है उसके होम पर, ठीक है, और वहाँ पर बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ रही है उसको, इसलिए वो लाइव क्लासेस नहीं ले रही है। बट वो जितने भी लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के ऐप पर डालता हूँ, वो उन वीडियो लेक्चर से सारी क्लासेस को देख रही है, और सबसे पहले उसके असाइनमेंट्स मेरे पास सबमिट हो रहे हैं, जबकि आप लोग लाइव क्लासेस ले रहे हो, आप लोगों के असाइनमेंट्स नहीं आए मेरे पास। और वो बच्ची घर पे बैठे हुए जो लाइव क्लास नहीं ले पा रही है, अपने डाउट्स नहीं पूछ पा रही है, वो मेरे से अलग से डाउट पूछती है, और असाइनमेंट्स के सबसे पहले मेरे पास सारे आ चुके हैं जितने भी मैंने अभी तक आप लोगों का असाइनमेंट बना के दिए हैं। तो बेटा अभी तो थोड़ा फ्री हो, तो आई होप आप लोगों को असाइनमेंट सॉल्व करने चाहिए जितनी जल्दी हो जाए। अभी तो जब स्कूल खुल जाएंगे फिर तो और ज्यादा बिजी हो जाओगे बेटा आप लोग, ठीक है, तो कोशिश करो असाइनमेंट्स कंप्लीट किया करो। चलिए एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले मुझे निकालना है एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, दैट इज 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 एंड प्लस 20,000। सो कोई मुझे टोटल बता देगा कितना है, नंबर ऑफ इयर्स है 4। 2 लाख। 2 लाख, ओके 2 लाख, तो 2 लाख डिवाइड बाय 4 दैट इज 50,000 मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट। यस सर, मैं ऐसे ही कर रहा था पहले। और इसमें ये फर्स्ट पार्ट हो गया एवरेज प्रॉफिट निकालना, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 मुझे निकालनी है गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट इज 50,000 एंड नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2,
तो मेरा आ गया फर्स्ट का आंसर 1 लाख. ओके, तो जिस जिसने मुझे 1 लाख का आंसर दिया, वेरी गुड, आप लोग सभी करेक्ट हैं. चलिए अब दूसरा मेथड करते हैं हम, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसमें मेरा स्टेप 1 रहता है बेटा, सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड वेट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स. चलिए तो सम कर लेते हैं हम, प्रोडक्ट कर लेते हैं. तो मैं काम करता हूं इसको ऊपर क्वेश्चन में ही कर रहा हूं. चलिए यहां पर क्वेश्चन है, इसमें मैं वेट्स हैं प्रॉफिट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट कर देता हूं यहीं पर. तो ये हो गया आपका 1,50,000, ये हो गया आपका 1,20,000, ये हो गया 70,000 और ये हो गया आपका 80,000. क्या मुझे कोई टोटल बता सकता है? 4,20,000 आ रहा है क्या टोटल? ये हो गया 150, 150, 150, 3 लैक्स, 4,20,000, ठीक है. और 4, 5, 6, 7, 7 और 3, 10, ठीक है. तो ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट्स एंड प्रॉफिट्स, ठीक है, और ये हो गया आपका सम ऑफ वेट्स. तो ये आपका नीचे आ जाएगा 4,20,000 डिवाइडेड बाय 10. 4,20,000 डिवाइडेड बाय 10, सो आपका वेटेड एवरेज आया बेटा 42,000 रुपीस. और हमें निकालना है गुडविल. सो गुडविल का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज 42,000 एंड नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज 2. सो हमारा आंसर आ गया 84,000 बेटा. और किसी को आंसर नहीं दे रहा, मेरे को सॉल्व नहीं हो रहा क्या आप लोगों से? मैं तो इतने स्लो आप लोग, हद होगी. तो मेरा यहाँ पर 1 लाख निकल के आया, अदिति का सही था, यहाँ पर 84,000 निकल के आया. अब हम नोट, हाँ नोट कर लीजिए. अब थर्ड मेथड पे चलेंगे हम, सुपर प्रॉफिट मेथड. लीजिए करी नोट. यस सर, हो गया. चलिए थर्ड आया था हम सुपर प्रॉफिट मेथड पे. अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड मेरा स्टेप 1 रहता है बेटा कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो वो मेरे को फॉर्मूला पता है उसका, होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट. और आई नो आप लोगों को भी पता है एवरेज प्रॉफिट मैंने अभी निकाला था, तो मैं फर्स्ट वाले उससे ले लेता हूँ, फर्स्ट मेथड से. तो मैंने यहाँ नीचे एवरेज प्रॉफिट निकाला था हमारा 50,000, ठीक है. तो 50,000 में यहाँ से ले लेता हूँ. चलिए तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 50,000 माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट. तो यहाँ पर आप वेयर लिख सकते हैं, वेयर नॉर्मल प्रॉफिट होता है आपका इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन में 100. सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन टू अस एंड इट इज 5 लाख रुपीस एंड एनआरआर इज 10%. तो कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख and 10%, it comes 50,000. So my normal profit आ गया. तो यहाँ पर 50,000
ये आ जाएगा। तो मुझे बताइए मेरी गुडविल की सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? नील आ गया जीरो, ठीक है। देन अगर सेकंड स्टेप लें तो मेरा होता है कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेट गुडविल, एंड गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट तो मेरा आया जीरो, ठीक है। तो इससे पता चला कि नंबर ऑफ परचेज टू दे रखी है, तो मेरी गुडविल भी क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। तो हमें पता चला गुडविल की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। समझ में आया बेटा? चलिए फोर्थ मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला मेरा स्टेप रहेगा वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का, और वैल्यू ऑफ फर्म मुझे पता है कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट को मुझे 100 अपॉन में एनआरआर करना होता है, और एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल रखा है पिछली बार फर्स्ट में से 50,000, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने ऊपर यूज किया था एवरेज प्रॉफिट 50,000, मुझे याद है। जीरो क्या? जीरो आंसर इसका किसका? एवरेज प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड अभी। हां भैया। अच्छा जी, चलो देख लेते हैं एक बार। 100 अपॉन में 10, तो वेरी गुड। अगर यही आ रहा तो 5 लाख, और इसमें मुझे फिर निकालना होता कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को दे रखा है, अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को 5 लाख दे रखा है, वेरी गुड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख तो गिवन है। देन थर्ड स्टेप होता है मेरा गुडविल निकालने का, और गुडविल होता है मेरा वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई तो आपके लिए इजी हो गया, 5 लाख माइनस 5 लाख, तो अगेन यहाँ पर गुडविल आ गई नील, डेट इज जीरो, गुडविल की कोई वैल्यू ही नहीं है। और मेरा लग गया लास्ट मेथड। लास्ट मेथड का आंसर बताओ। मैं उसका भी जीरो उसका, हाँ भैया जीरो ही है। अरे वाह, चलिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। अब वो याद है मेरे को सुपर प्रॉफिट मैंने शायद निकाला था ना सुपर प्रॉफिट मेथड में, क्या निकाला था सुपर प्रॉफिट मेथड में? सुपर प्रॉफिट देख लेता हूँ, मैंने तो फिर से निकाला था। अच्छा सुपर प्रॉफिट में मैंने सुपर प्रॉफिट निकाला था जीरो, मेरा सुपर प्रॉफिट ही जीरो आया था, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट था मेरा जीरो। सेकंड निकालना है गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआरआर, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। तो इस में भी मेरी गुडविल जो आ गई वो आ गई जीरो, नील, वेरी गुड। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। यस सर। ठीक है चलिए, आज हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, नेक्स्ट क्लास में हम एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। सो आपको मेक श्योर करना है कि इतना तो आप करके आए। सॉरी बेटा ये 10 आएगा, 100 अपॉन में 10 होगा, एनआरआर 10 है आपका। ठीक है तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे। मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ कौन कौन से करने हैं, क्योंकि इसके जो बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, पहले ही पूरी बुक आपको मैंने स्कैन करके सेंड कर चुका हूँ। अब इसके आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप या ऐप के थ्रू असाइनमेंट के रूप में आपको मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम परसों लेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर को ओवर करेंगे एडजस्टमेंट्स करके। ओके सर। ओके, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है या डाउट है कुछ पूछना चाहते हो बेटा?